हेलो बच्चों, नव भारतीय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं और उसकी इकाई 3 राजनीतिक विचारधाराएं, और उसका अध्याय कौन सा राजनीतिक विचारधाराओं का अध्याय 3 जिसका नाम है मार्क्सवाद। बच्चों, आपका जो अध्याय है मार्क्सवाद, इसके कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और इसके जो आपके कुछ टॉपिक्स जो बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय। तो अब हम देखेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास पर आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए इतिहास को क्या किया है, 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसमें प्रथम 3 अवस्थाएं गुजर चुकी है और चौथी अवस्था भी क्या हुआ, चल रही है, और 2 अवस्थाएं अभी आना बाकी है। तो पहली है आदिम अवस्था। तो आदिम अवस्था में क्या होता है बच्चों, आदिम अवस्था में क्या है, जो उत्पादन करते हैं, जो मतलब जो व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के लिए जो उत्पादन करता है, वो मतलब जो क्या करता था, मछली पकड़ना, शिकार करना, ऐसे इस तरीके के वो क्या करता था, अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वैसे इस प्रकार के कामों को करता था। और इसमें क्या होता था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, यानी अपना अपने लाभ कमाने के लिए, अपने हित के लिए कोई किसी दूसरे के हितों का हनन नहीं करता था। दूसरी अवस्था आती है बच्चों, दास अवस्था। दास अवस्था में क्या होता है कि लोग, जो शक्तिशाली जो वर्ग होता है, यानी कि जो अमीर या पैसे वाला जो वर्ग होता है, वो शक्तिहीन वर्गों को क्या कर लेता है, अपने अधीन दास बना लेता है, या जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनसे अपनी मर्जी के अनुसार अपने सारे काम करवाता है और उसके अनुसार से पारिश्रमिक भी नहीं देता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है, दास अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है, सामंती अवस्था। तो सामंती अवस्था क्या होती है, सामंत होने की अवस्था या भाव। तो सामंती अवस्था क्या होती है, सामंत होने की अवस्था या भाव। तो किस सामंत, अब देखते हैं कि सामंत अवस्था यानी सामंत होने के भाव क्या होते हैं या कौन सी अवस्था होती है सामंत होने की। तो किसी राजा के अधीन रहने वाले ऊंचे ओहदे वाला सरदार जो अपने क्षेत्र में राजा जैसे ही व्यवहार करता है वो क्या होती है, सामंतवादी अवस्था होती है, सामंती अवस्था होती है। जैसे राजा को कर देने वाला अधिकार भोगी भूप्रमुख, तो ये कौन कौन से होते हैं, वीर योद्धा, सैनिक, पड़ोसी देश में रहने वाले, ये सब इसमें आते हैं। अब चौथी है पूंजीवादी अवस्था, जो अभी चल रही है। पूंजीवादी अवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यानी कि पूंजीवादी अवस्था किसे कहते हैं, उस आर्थिक तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर का उस पर आधिपत्य स्वामित्व होता है। पांचवा है सर्वहारा वर्ग या अधिनायकत्व व समाजवाद। तो अब हम देखेंगे कि सर्वहारा वर्ग क्या होता है। तो मार्क्सवाद सामाजिक राजनीतिक चिंतन में सर्वहारा की तानाशाही का तात्पर्य है उस राजव्यवस्था से है जिसमें राजनीतिक शक्ति सर्वहारा यानी कि जो श्रमिक वर्ग होता है उसके हाथों में होती है। छठा है बच्चों साम्यवादी अवस्था, यानी क्या होता है, जो साम्यवादी अवस्था होती है उसमें क्या होता है, उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर किसका स्वामित्व होता है, सरकार का या समाज का स्वामित्व होता है। अब हम देखेंगे कि मार्क्स के अनुसार समाज के 2 भाग होते हैं, यानी मार्क्स जो है उनके अनुसार समाज के 2 भाग है, पहला है आधार और दूसरी है अधिरचना। तो आधार में वह अर्थव्यवस्था व उत्पादन प्रणाली को सम्मिलित करता है, अधिरचना में सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक अवस्था को सम्मिलित करता है। यानी आधार में तो वह किसको सम्मिलित करता है, अर्थव्यवस्था व उत्पादन प्रणाली को, और अधिरचना में वह किसको सम्मिलित करता है, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक अवस्था को। तो मार्क्स के अनुसार आधार अर्थात अर्थव्यवस्था व प्रणाली पर जिसका नियंत्रण होता है उसे शोषक वर्ग कहते हैं, यानी जो शोषक वर्ग क्या होता है, जो शोषण करने वाला वर्ग होता है उसे शोषक वर्ग कहते हैं, और जो वर्ग शोषक वर्ग के अधीन कार्य करता है उसे शोषित वर्ग कहते हैं। यानी जो शोषण करता है उसे तो शोषक वर्ग कहते हैं, और जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, जिसके ऊपर शोषण यानी शोषक वर्ग शोषण कर रहा है उसे क्या कहते हैं, शोषित वर्ग कहते हैं।
अब हम देखेंगे बच्चों कि इतिहास के आर्थिक व्याख्या के क्या निष्कर्ष है निकलते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, मानव जीवन में सभ्यता का विकास ईश्वर या महापुरुष के विचारों व कार्यों का परिणाम नहीं होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के निश्चित नियम हैं और इस प्रक्रिया का संचालक आर्थिक तत्व है। दूसरा है, प्रत्येक युग में सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था पर उसी का नियंत्रण रहता है जिसका आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। तीसरा है, आर्थिक परिवर्तनों से राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन होता है। चौथा है आपका निष्कर्ष, आदिम साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद तक वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है, यानी अगर आदिम साम्यवाद को छोड़ दिया जाए और तो क्या हुआ है, पूंजीवाद तक क्या रहा है, वर्ग संघर्ष रहा है, यानी कि एक दूसरा वर्ग हमेशा दूसरे वर्ग को हानि पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। पांचवा है, इतिहास की आर्थिक व्यवस्था से मार्क्स पूंजीवाद के अंत व साम्यवाद के आगमन की घोषणा करता है, यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या से ही मार्क्स क्या करता है, पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की घोषणा करता है, यानी पूंजीवाद तो खत्म और साम्यवाद की शुरुआत की घोषणा करता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या की क्या क्या आलोचनाएं हैं, यानी उसमें क्या क्या बुराइयां हैं। तो आर्थिक तत्व पर अधिक व अनावश्यक बल, तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या में क्या हुआ है कि आर्थिक तत्व जो होता है उस पर अधिक व अनावश्यक, यानी अधिक बहुत ज़्यादा, और अनावश्यक यानी जितना आवश्यक, मतलब आवश्यक नहीं है फिर भी उस पर बल दिया गया है। आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। इतिहास निर्धारण में संयोग तत्व की उपेक्षा की गई है। मानवीय इतिहास के कार्यक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं, और मतलब राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है, बहुत सारे और भी आधार है, उन पर ध्यान नहीं दिया गया बल्कि इसी पर एकमात्र ज़्यादा बल दिया गया है, जो कि सही नहीं है। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जाता है, और आर्थिक संबंधों के द्वारा क्या होता है, राजनीतिक जो शक्ति होती है उसको बदल दिया जाता है। इतिहास की धारणा का राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना क्या है, संभव नहीं है, यानी इतिहास की जो धारणा होती है उसका राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव ही नहीं है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या होता है देखते हैं। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद व अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के प्रथम वाक्यांश में कहता है कि अब तक का समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी कि अब तक का जो समाज रहा है और उसका जो इतिहास रहा है समाज का, वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष क्या होता है, जिसमें मतलब किसी समाज के भिन्न भिन्न मतलब समाज के क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ग होते हैं, और ऐसा उन जो विभिन्न जो वर्ग होते हैं उसमें पारस्परिक ऐसे संघर्ष चल रहा होता है जिससे वो एक दूसरे को दबाने या नष्ट करने का प्रयत्न या फिर कोशिश करते रहते हैं। तो वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए राज्य का उदय हुआ है, यानी कि वर्ग संघर्ष जो होता है उसको खत्म करने के लिए क्या हुआ, उसकी समाप्त करने के लिए राज्य का उदय हुआ। वर्ग क्या होता है, क्लास। तो वर्ग, मार्क्स के अनुसार जिस समूह के एक समान आर्थिक हित होते हैं उसे वर्ग कहते हैं, जैसे श्रमिक, पूंजीपति इत्यादि, यानी कोई श्रमिक वर्ग है तो उनके एक जैसे हित होंगे, आर्थिक हित उनके एक जैसे होंगे, तो वह एक वर्ग है। तो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में तो जैसे अलग अलग वर्ग हो गए ना दोनों, तो उनमें संघर्ष होना लाजमी है। संघर्ष यानी कि स्ट्रगल, स्ट्रगल क्या होता है, तो संघर्ष का व्यापक अर्थ है असंतोष, रोष व असहयोग से है। अब हम देखेंगे बच्चों की वर्ग संघर्ष की आलोचना, यानी कि वर्ग संघर्ष की आलोचना या उसकी बुराई किस प्रकार की गई है। तो वर्ग संघर्ष मतलब क्या होता है, एकांकी एवं दोषपूर्ण है। सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं, और सामाजिक जीवन का जो मूल तत्व होता है ना वो सहयोग करना है, संघर्ष करना नहीं है, यानी लड़ाई झगड़ा करना नहीं है बल्कि सहयोग करना, मिलजुल कर रहना है। और समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं होते, और अगर वर्ग संघर्ष कर भी लेते हैं तो समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं होते, बहुत सारे ऐसे वर्ग होते, तो सभी वर्गों के बीच में अगर संघर्ष होगा तो वैसे ही तरक्की नहीं होगी, वैसे ही विकास नहीं होगा। तो समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते बल्कि बहुत सारे वर्ग होते हैं, इसलिए यह सही नहीं है।
सामाजिक में आर्थिक वर्ग में अंतर होता है, और सामाजिक और आर्थिक वर्ग में क्या होता है, बहुत ही अंतर होता है। क्रांति श्रमिक वर्ग की बजाय बुद्धिजीवी वर्ग से संभव, यानी क्रांति श्रमिक वर्ग से नहीं करनी चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग से करनी चाहिए, और बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है और तभी यह सही रहेगी। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का नहीं मार्क्स के सिद्धांत ने श्रमिक वर्ग में जागृति उत्पन्न की है, और समस्त जो इतिहास वर्ग है, जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का नहीं है, मार्क्स के सिद्धांत ने क्या किया है, श्रमिक वर्ग में जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक वर्ग होता है, उनमें क्या किया है, जागृति उत्पन्न की है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अब हम देखेंगे कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या होता है। तो मार्क्स अपनी पुस्तक में रिकार्डो से प्रभावित होकर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है, यानी मार्क्स ने क्या किया, अपनी जो पुस्तक है उसमें रिकार्डो से प्रभावित होकर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। रिकार्डो एक पूंजीपति विचारक है, और रिकार्डो कौन है, एक पूंजीपति विचारक है जो श्रम मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। रिकार्डो का कहना था कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण श्रम द्वारा होता है, यानी किसी की वस्तु का, जो किसी भी वस्तु होती है जिसका उत्पादन हुआ है, उसकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है, श्रम के द्वारा होता है, कि उसमें कितनी मेहनत लगी है। अब हम देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार इस अतिरिक्त मूल्य के समाज पर निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, कि जो अतिरिक्त मूल्य के जो सिद्धांत है उस पर, मतलब किस प्रकार उसने क्या किया समाज पर, अपने दृष्टिगोचर या अपने प्रभाव, अपना प्रभाव या उस, मतलब समाज को किस प्रकार उसने प्रभावित किया है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत ने। तो पहला, श्रमिकों की यानी कि मजदूरों की दयनीय दशा। दूसरा, सर्वहारा क्रांति का कारण अतिरिक्त जनसंख्या का कारण। तो इससे क्या हुआ है, मतलब श्रमिकों की दयनीय दशा हो गई है, सर्वहारा मतलब सभी में क्रांतियों के कारण सामने आए हैं इसके कारण, और अतिरिक्त जनसंख्या का कारण भी यह बना है। अब इसकी आलोचना भी की गई है, हम देखेंगे कि वो आलोचना क्या है। श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है, यानी कि जो श्रम होता है वो एकमात्र ही उत्पादन का साधन नहीं है, यानी कि उत्पादन करने के लिए सिर्फ श्रम की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे और साधनों की भी आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी लागत मानसिक श्रम की अवहेलना की गई है, यानी इसमें क्या होता है, पूंजी लागत और मानसिक श्रम की अवहेलना की गई है, यानी बुराई की गई है। इसमें मौलिकता का अभाव है, यह रिकार्डो से प्रभावित है, और इसमें क्या है, मौलिकता का अभाव है, यह रिकार्डो से प्रभावित है। सिद्धांत विरोधाभास से युक्त है, और सिद्धांत क्या है, विरोधाभास से युक्त है। महत्व क्या है, अब हम देखेंगे कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का महत्व क्या है। तो समाजवाद के प्रचार में सबसे अधिक सहायक रहा है, और जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो क्या है, समाजवाद के प्रचार में अधिक सहायक रहा है। अब हम देखेंगे कि अलगाववाद का सिद्धांत क्या होता है। तो अलगाववादी विचार नव मार्क्सवाद का तरुण मार्क्स के विचार का आधार है। मार्क्स अपनी रचना मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में जिसकी रचना हुई है, यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट में यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक में वह पूंजीवाद की तुलना में सामंतवाद को अच्छा बताता है, और इसमें क्या बताता है, वह सामंतवाद को अच्छा बताता है और पूंजीवाद को बुरा बताता है, उसकी तुलना में उसे अच्छा बताता है। वह कहता है कि पूंजीवाद के कारण मनुष्य अलगाव का शिकार हो गया है, और वह बताता है कि पूंजीवाद के कारण क्या हुआ है, मनुष्य क्या हुआ, अलगाव का शिकार हो गया है, यानी अमीरों में अमीर लोग अलग, गरीब लोग अलग, तो क्या हुआ है, एक अलगाव हो गया है, लोग अलगाव का शिकार हो गए हैं। यह अलगाव भिन्न चार प्रकार से देखा जा सकता है, और उसको देखने के चार प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं, उत्पादन प्रणाली से अलगाव, और उत्पादन प्रणाली से अलगाव है, पर्यावरण से अलगाव है, साथियों से अलगाव है, और स्वयं से भी अलगाव है। तो इसमें चार प्रकार के अलगाव देखे जा सकते हैं, और वो चार प्रकार के अलगाव कौन देखे हैं हमने, पहला है उत्पादन प्रणाली से अलगाव, दूसरा पर्यावरण से, तीसरा साथियों से, और चौथा स्वयं से। नव मार्क्सवादी भी इसी अलगाव के सिद्धांत से प्रभावित है। यह जॉर्ज ल्यूकॉज के द्वारा 1923 से 1924 में सर्वप्रथम सामने लाया गया, जब मार्क्स द्वारा लिखे गए विचार आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपियों 1844 का 1932 में प्रकाशन किया गया। अब हम देखेंगे कि पूंजीवाद का विश्लेषण व भविष्य संबंधी धारणा।
मार्क्स मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण करता है, यानी ये पूंजीवादी विश्लेषण व्यवस्था की व्याख्या करता है तथा उसके भविष्य की धारणा को स्पष्ट करता है। पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन करता है व इसमें परस्पर दो विरोधी वर्गों का हित पाया जाता है। पूंजीपतियों की पूंजी में निरंतर वृद्धि होती जाती है जिससे अति उत्पादन संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद पूंजीपतियों के प्रतियोगिता तत्व का अंत हो जाता है व पूंजीवाद की समाप्ति हो जाती है। अब हम देखेंगे कि राज्य व शासन संबंधी धारणा किस प्रकार की है और कैसी होती है। तो मार्क्स की राज्य व शासन संबंधी धारणा अन्य सभी विचारधाराओं से पृथक है, यानी कि अलग है। कार्ल मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था के रूप में मानते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ही वर्ग विभेद है, यानी वर्गों के बीच में अंतर है। राज्य शोषण का यंत्र रहा है, और राज्य क्या है? शोषण का यंत्र रहा है, इससे मतलब शोषण का हथियार रहा है, यंत्र रहा है। कार्ल मार्क्स के राज्य व शासन संबंधी विचारों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला है, राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद है। वह राज्य शोषक वर्ग के हितों की सुरक्षा करता है। इसमें कहते हैं मतलब निम्न बिंदुओं के आधार पर हम क्या समझ सकते हैं, राज्य व शासन संबंधी विचारों को समझ सकते हैं। तो पहला क्या है, राज्य की उत्पत्ति का क्या कारण है कि राज्य क्या करता है। मतलब कार्ल मार्क्स मानते हैं कि राज्य शोषक वर्ग होता है, जो कि लोगों का शोषण करते हैं उसे शोषक वर्ग कहते हैं, और वह शोषक वर्ग के हितों की सुरक्षा करता है। कौन करता है? राज्य। दूसरा है, राज्य व शासन शोषण का यंत्र है, अर्थात राज्य व शासन शोषित वर्ग के शोषण में सहायता करता है। राज मदद करता है लोगों के शोषण करने में शोषक वर्ग की। तीसरा है, संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। राज्य की समाप्ति या शोषक वर्ग की समाप्ति हेतु कुछ समय के लिए सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक व कृषक वर्ग का अधिनायकत्व रहेगा, जिससे राज्य व पूंजीवाद बुजुर्गा वर्ग, यानी जो शक्तिशाली वर्ग होता है, जो अमीर वर्ग होता है, उसे बुजुर्गा वर्ग कहते हैं, तो पूंजीवाद के बचे हुए अवशेषों को समाप्त किया जा सके। चौथा है, राज्य विहीन तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आधार प्रस्तुत करता है। और राज्य विहीन यानी कि ये क्या करता है, राज्यविहीन तथा वर्गविहीन समाज की स्थापना का आधार प्रस्तुत करता है। अब इसकी आलोचना भी की गई है, और वो किस प्रकार की गई है वो हम देखते हैं। पहला है, राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं है, वरन यह एक नैतिक संगठन है, यानी कि एक वर्गीय संगठन नहीं है, ये क्या है, एक नैतिक संगठन है। दूसरा है, वर्तमान में राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु ना होकर मित्र है, जो सर्वहारा के कल्याण हेतु कार्य करता है। तीसरा है, राज्य अस्थाई नहीं है, वरन स्थाई है। चौथा है, मार्क्स द्वारा राज्य के विलुप्त होने की धारणा कपोल कल्पित है। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्सवाद की क्या क्या धारणाएं हैं। तो देखते हैं, मार्क्स लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों को शोषित वर्ग के शोषण का साधन मानता है। यानी मार्क्स क्या मानते हैं, लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों को क्या मानते हैं, शोषित वर्ग के शोषण का साधन मानता है। यानी कि इनके द्वारा इनकी सहायता से क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है शोषित वर्ग का, ऐसा मानते हैं मार्क्स। तथा धर्म को अफीम की संज्ञा देता है, और धर्म को क्या देता है, अफीम की संज्ञा देता है। धर्म श्रमिकों का शोषण करता है, और मार्क्स कहता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, इसलिए वह विश्व के संपूर्ण मजदूरों को एक जैसा होने का संदेश देता है। इस प्रकार वह राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी व्यर्थ बताता है। मार्क्सवाद कार्यक्रम के तीन चरण हैं। तो मार्क्सवाद क्या मानता है कि श्रमिकों का कोई धर्म नहीं होता, वह पूरे विश्व में कार्य करते हैं, तो उनको एक पूरे विश्व में एक होने का संदेश मार्क्स देते हैं। और ये मानते हैं कि धर्म के आधार पर श्रमिकों के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं, इसका पहला है, पूंजीवादी अवस्था के विरुद्ध क्रांति। और तो क्या होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति, संक्रमण काल के लिए सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना अर्थात पूर्ण साम्यवाद की स्थापना, साम्यवादी समाज तकनीकी दृष्टि से प्रगतिशील व उन्नत समाज होगा। मार्क्सवाद की आलोचना, अब हम देखेंगे कि मार्क्सवाद की आलोचना की किस प्रकार, कई अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार की है।
तो मार्क्सवाद में बहुत सारी विशेषताएं भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी बुराइयां ही बुराइयां भी है जिन्हें हम देखेंगे। तो पहली है, जड़ तत्व व चेतना तत्व को पूर्ण रूपेण अलग कर पाने में असमर्थ रहा है। यह जड़ तत्व व चेतना तत्व को पूर्ण रूप से मतलब अलग करने में असमर्थ रहा है, यानी कामयाब नहीं हो पाया है। जड़ तत्व में स्वतः परिवर्तन संभव नहीं है। इस सिद्धांत में मौलिकता का अभाव है। चौथा है, मार्क्सवाद हिंसा व क्रांति को प्रोत्साहन देता है। पांचवा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए घातक है। छठा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद व इतिहास की आर्थिक व्याख्या एक पक्षीय व काल्पनिक है। सातवा है, राज्य के विलुप्त होने की धारणा काल्पनिक है। आठवां है, मार्क्सवाद राज्य को शोषण का यंत्र मानता है, जो कि अनुचित है, यानी कि सही नहीं है। यह राज्य क्या करता है, ये किसी का शोषण नहीं करता, यानी कि शोषण का यंत्र नहीं है। नवा है, लोकतंत्र राष्ट्रवाद और धर्म के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुचित है। दसवा है, मार्क्स का दो वर्गों का विचार अव्यवहारिक है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों की राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद का योगदान किस प्रकार रहा है। मैंने ना एकदम से हंसी रोक ली, हंसी रोक ली मैंने बुरी तरीके से, रोक लिया क्या उसको, स्टॉप कर लिया, दूसरी जगह से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बच्चों अब हम देखेंगे कि राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद का योगदान किस प्रकार रहा है। तो चलिए देखते हैं, राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने विश्व को समझने का एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया है। तो मार्क्सवाद विभिन्न विचारधाराओं को आधार प्रदान करता है। मार्क्सवाद क्या करता है, विभिन्न विचारधाराओं को आधार यानी कि एक बेस प्रदान करता है, बेस देता है ताकि वह उसको समझ पाए। दूसरा है, उदारवाद को चुनौती देता है। तीसरा है, मार्क्सवाद समाज की एक व्यवहारिक व वैज्ञानिक योजना प्रस्तुत करता है। चौथा है, मार्क्सवाद ने श्रमिक वर्ग में एक नवीन जागृति उत्पन्न की है। पांचवा है, मार्क्स समाज का एक यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करता है। अब हम देखेंगे बच्चों की हमने जो पार्ट पढ़ा है आपका, आप जिसका नाम है मार्क्सवाद, उस पार्ट को पढ़ने से हमने क्या सीखा और से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो मार्क्स द्वारा समाजवाद लाने का एक ठोस एवं सुसंगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, ये हमने इस पार्ट में देखा है, जिसने विश्व में एक नई हलचल उत्पन्न कर दी। मार्क्स के विचारों को आधार बनाकर लेनिन ने 1917 ईस्वी में सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कर मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक आदान प्रदान किया। इसी विचारधारा के आधार पर माओ त्से तुंग ने चीन में क्रांति के माध्यम से 1949 ईस्वी साम्यवादी शासन की स्थापना की। मार्क्सवाद के कारण पूंजीवाद ने अपने आप को सुधारने का प्रयास किया, वह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ है। तो बच्चों अब हमारा जो ये आपका पार्ट है मार्क्सवाद वो कंप्लीट हो चुका है, इसके सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।